हेलो रियत से, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है क्लास थर्ड में, तो इसमें आपका आज चैप्टर नंबर 7 पप्पी एंड आई, ठीक है। पप्पी एंड आई, इसमें आपका जो है पिछले वीडियो में जो है कंप्यूटर चेकअप में ए जो था आपका टीक का करेक्ट आंसर, सही उत्तर पर जो है सही का चिन्ह लगाइए, निशान लगाइए। ये आपको जो है होमवर्क रूप में करने के लिए दिया गया था, ठीक है। पहला था आपका मैन वाज गोइंग टू द विलेज टू, आदमी जो था वह गांव जा रहा था, क्या करने के लिए। लिए आपका हो जाएगा गेट सम ब्रेड, कुछ रोटी, ब्रेड मींस रोटी, कुछ अपने लिए कुछ रोटी लाने के लिए वह जो है गांव की ओर जा रहा था, ठीक है। आपका नेक्स्ट आंसर होगा सेकंड आपका द हॉर्स वाज गोइंग टू द विलेज टू, और जो घोड़ा था वह जो है शहर नीचे गांव के लिए जो है जा रहा था, नीचे गांव की तरफ जा रहा था, क्यों जा रहा था। तो वह जो है ऑप्शन सी है आपका गेट सम हे, सेकंड का गेट सम हे, कुछ सूखी घास लाने के लिए वह जो है गांव की ओर जा रहा था घोड़ा। और थर्ड था बेटा आपका द पपी वॉज गोइंग टू द हिल, पपी जो है गोइंग टू द हिल यानी कि वह पहाड़ी के ऊपर जो है की तरफ जा रहा था, क्या करने के लिए। रोल एंड प्ले, रोल एंड प्ले, ऑप्शन ए थर्ड का जो है ऑप्शन ए रोल एंड प्ले आपका राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो ये जो है आपको होमवर्क रूप में करने के लिए दिया गया था, तो इसे जो है आप अच्छी तरह से कर लिए होंगे बेटा। और आज जो है इसी में आपका फर्स्ट चेकअप में भी है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, कंप्लीट द sentences with the following words. If you don't complete the sentence with the following words, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से आपको जो है इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस को जो है आपको कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तो वर्ड क्या है बेटा, वर्ड आपने पूरा कार्ड में दिया है गोइंग विलेज फ्रॉम हॉर्स, आपका दिया बेटा गोइंग GOING village come horse talking and last of the wind आपका जो बॉक्स में दिए गए वर्ड्स है आपको इन्हीं वर्ड की सहायता से आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। पहला है आई मेट अ I met a single man as I went walking. Walking WALKING. WALKING वॉकिंग
क्राई में अब मैं मिला, मैं जो है मिला एक एज आई वेंट वॉकिंग, जब मैं जो है जैसे ही मैं टहलने गया, वॉकिंग टहलने, ठीक है, जैसे ही मैं टहलने गया मैं एक सिस्टम में उठा आई मेट अ हॉर्स, यहाँ पर आई मेट अ मैन, आई मेट अ हॉर्स, आई मेट अ पपी, इसको हमें जीत दिया है आपका या तीन पर्सन से मिला है, यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, इसमें हॉर्स दिया है तो क्या हो जाएगा आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, एज आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, यह दो जाएगा हॉर्स एच ओ आर एस टी, इसमें जो है यह हॉर्स एच ओ आर एस टी और क्या है तो इसमें आप खेल सकते, ठीक है, तो जगह आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट We got fill the blank, comma, horse and I. Horse and I. अगली बार आप देखेंगे जो सेकंड जो हार्स वाला जो आपका पैराग्राफ है उसी में से यह जो है इनका बैलेंस किया गया बेटा, बैलेंस किए गए हैं जैसे आप पोएम में लिखा गया है पोएम में देख कर भी आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं। अगली बार टॉकिंग हॉर्स एंड आई, हम जो है बातें करने लगे, जब हम मिले, जब मैं टहलने गया था जैसे ही टहलने गया था वैसे ही जो है हॉर्स से घोड़े से मिला और वी गॉट टॉकिंग, हम जो है बातें करने लगे हॉर्स एंड आई, हॉर्स और मैं, घोड़ा और मैं बातें करने लगे, बेटा वी गॉट टॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग, हम जो है बातचीत करने लगे या बातें करने लगे, वी गॉट टॉकिंग पी ए एल के आई एन जी, वी गॉट टॉकिंग, हम बात करने लगे हॉर्स एंड आई, घोड़ा और मैं, ठीक है। अगला का है वेयर आर यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू, फिल द ब्लैंक टू कॉमा और टुडे, और टुडे क्वेश्चन मार्क, यहां देखा करो वेयर आर यू, जब जब मैं घोड़े से जब जैसे मैं करने गया घोड़े से मिला और वी गॉट टॉकिंग, हम जो बातें करने लगे हॉर्स एंड आई, घोड़ा और मैं, वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टुडे, वो पूछ रहा है कि वेयर आर यू गोइंग, कि तुम जो है कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टुडे, यानी घोड़ा तुम आज जो है कहाँ जा रहे हो, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टुडे, क्या आंसर आ जाएगा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग जी ओ आई एन जी, वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टुडे, घोड़ा तुम आज जो है कहाँ जा रहे हो, I said to the horse. I said to the horse as he to the bank side. या बता सकता है कि
उसने जो है तो पूछा कि वेयर आर यू गोइंग टू हाउस टुडे, घोड़ा आज तुम जो है कहाँ जा रहा है। उसने कब पूछा, जब जो है आई सेड टू द हॉर्स, मैंने घोड़े से कहा, कब कहा, एज ही, जैसे ही वह जो है क्या किया, वेंट बाई, मेरे पास से होकर गुजरा, मेरे पास से गुजरा, मेरे पास से गया, वैसे ही मैंने उसे पूछा घोड़ा आज तुम कहाँ जा रहे हो। आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाई, जैसे ही वह मेरे पास से ठीक है गुजरा, क्या करता एज ही वेंट, गया गुजरा, जैसे वो मेरे पास से गया, मैंने बोले पूछा वेयर आर यू गोइंग टू हॉर्स टुडे, तुम घोड़ा आज तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर जाएगा ही वेंट बाई, जैसे ही वो मेरे पास से गया मैंने उससे कहा, आई सेड टू द हॉर्स, मैंने घोड़े से कहा। ठीक बेटा, नेक्स्ट नंबर है डाउन टू द, डाउन टू द इन द ब्लाइंड टू गेट सम हेल्प, टू गेट सम घोड़े क्या कर दिया, डाउन टू द विलेज, डाउन टू द विलेज, यानी कि नीचे गांव की ओर, ठीक है, नीचे गांव की ओर या नीचे गांव की तरफ, डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे, मेरे लिए जो है अपने लिए जो है कुछ सूखी घास लाने के लिए, अपने लिए घोड़ा जो कर रहा है कि मैं अपने लिए जो है कुछ सूखी घास लाने के लिए नीचे गांव की ओर जा रहा हूँ, ठीक है, डाउन टू द विलेज। डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे, मैं नीचे गांव की ओर कुछ सूखी घास लाने के लिए जा रहा हूँ। यू विल, सो वी विल यू, विल यू फिल द ब्लैंक विथ मी, विल यू फिल द ब्लैंक विथ मी, नो not I, question mark, no not I, not I, ठीक है, no not I, करा will you fill the blank with me, क्या तुम मेरे साथ आओगे, ठीक है, will you come, क्या होगा का, will you come, see you या me, will you come with me, क्या तुम मेरे साथ आओगे, कौन पूछ रहा है, वो घोड़ा गांव से जा रहा है, करा क्या तुम मेरे साथ आओगे, तो कहता नो नॉट आई, नहीं मैं नहीं आऊंगा, नहीं मैं नहीं चलूंगा, नहीं नहीं मैं आऊंगा, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा का, विल यू कम, विल यू कम विद मी, नो नॉट आई, क्या तुम मेरे साथ आओगे, तो कह रहा कि नहीं, नो नहीं नॉट आई, मैं नहीं आऊंगा, ठीक बेटा, इस प्रकार जो है आप ये बी कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, आप मुख्य सेंटेंस को जो है निम्नलिखित शब्दों के द्वारा आप कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट आपका यह होता है आपका सी एंड वन क्वेश्चन या होमवर्क दिया जाए करने के लिए। आगे आपका डी है ग्रामर म्यूज एक्सल वर्ड्स,
साइकिल वॉच। देवनापट्टी कड़ा अंडरलाइन द डूइंग वर्ड ठीक है इन द सेंटेंस से जो कार्य करने वाले वर्ड है क्या कार्य हो रहा है इस वर्ड में उसको आपको लिखना है एक्शन वर्ड ठीक है जो कार्य कर रहे हैं क्या हो रहा है इस सेंटेंस में कौन सा कार्य हो रहा है ठीक है उसको जो है आपको अंडरलाइन करना है ठीक है तो आपका दिया है अंडरलाइन द अंडरलाइन द डूइंग वर्ड अंडरलाइन द डूइंग वर्ड पेज नंबर 38 पे आपका है डी इन दीज सेंटेंसेस इन दीज सेंटेंसेस ठीक है बेटा यहां पर आपको डूइंग वर्ड्स जो आपका यहां पर इसमें कार्य कर रहे हैं जो सब जो इसमें आपके वर्ड्स जो है कार्य करने वाले हैं कार्य कर रहे हैं उसको आपको अंडरलाइन करना है इन सेंटेंसों में पढ़ा देंगे द कैट किल्ड द रैट द कैट किल्ड द रैट रैट यानी बिल्ली ने जो है चूहे को क्या किया मार दिया ठीक है या मारा बिल्ली ने चूहे को मार दिया या द बिल्ली ने चूहे को मारा क्या हो जाएगा द कैट यहाँ पर क्या कर रहा है मारने का जान से मारना किसी ने चलता है जान से मार दिया ठीक है द कैट किल्ड द रैट यानी कि बिल्ली ने जो है चूहे को जान से मार दिया तो यह क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कार्य डूइंग वर्ड क्या बेटा मारने का जान से मारने का होगा इसमें सेंटेंस में तो यह क्या होगा आपका किल्ड के आएगा जी किल्ड जो है आपका क्या होगा डूइंग वर्ड होगा ठीक है तो इस डूइंग वर्ड को जो है आप क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे ठीक है तो यह किल्ड क्या होगा आपका डूइंग वर्ड इसे आप अंडरलाइन करेंगे ठीक है बेटा नेक्स्ट आपका बी है सेकेंड बेला क्लोज द डोर सेकेंड है आपका बेला क्लोज सीएल को एस टी बी बेला क्लोज द डोर ठीक है बेटा बेला क्लोज द डोर यानी कि बेला में जो है दो मिन दरवाजा क्लोज मीन बंद कर दिया ठीक है बेला क्लोज द डोर यानी बेला ने दरवाजा बंद कर दिया तो यहां से क्या कारण होगा बेटा सेंटेंस में डूइंग वर्ड कौन होगा क्लोज होगा क्लोज होगा क्यों क्योंकि इसमें जो है दरवाजा जो है बंद होने का कारण हो रहा है ठीक है तो यहां पे आपका क्लोज यानी कि जो डूइंग वर्ड है आपका क्या होगा क्लोज होगा इसको हम अंडरलाइन कर देंगे ऐसे है द लायन रोड लाउडली यद कोई डी डी एल वाई
L-O-U-D-L-Y, loudly. ठीक है, द लायन रोर लाउडली, यानी शेर जो है क्या कर रहा है बेटा, रोर दा रहा था, लाउडली मीन जोर जोर से, ठीक है, शेर जो है जोर जोर से क्या करता, दहा रहा था, द लायन रोर लाउडली, या शेर जो है जोर जोर से दहाड़ा, तो यहाँ पे इसमें दहाड़ने का कारण हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, दो यू वर्ब क्या होगा, रोर, एक्शन वर्ब या वर्ब क्या हो गया था, रोर, आर ओ ए आर ई, आर ओ ए आर ई रोल, आर ओ ए आर ई रोल लाउडली, ठीक है बेटा। आर ओ ए आर ई रोल लाउडली, एल ओ यू डी एल, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्थ है, फोर्थ बेटा आपका द बॉय प्ले क्रिकेट, द बॉय प्लेड क्रिकेट, क्लियर है, क्रिकेट सही, लड़के जो है क्या कहते बेटा, लड़के क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, लड़के क्रिकेट खेलते थे, द बॉय प्लेड क्रिकेट, यहाँ से क्या का प्ले यानी खेलने का कार्य हो रहा है, क्रिकेट को जो है खेलने का कार्य है, जब दूरी मर्ज क्या होगा उसका प्लेड होगा, ऐसा प्रसिद्ध है। कमल राइट स्टोरी, कमल राइट डब्ल्यू आर आई टी राइट एस एल ओ डब्ल्यू एल, ठीक है, कमल राइट स्टोरी, यानी कमल जो है राइट मीन्स लिखता है, ठीक है, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, ठीक है, कमल जो है धीरे धीरे जो है लिखता है, इसमें जो उनका लिखने का हो रहा है, तो इसमें जो है हम राइट को अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, इस प्रकार जो है आप इस एक्शन वर्ड में डी अंडरलाइन और डूइंग वर्ब की सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। और आइए जो है अब इसमें आपका सी दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो आप होमवर्क रूप में कंप्लीट करेंगे, शुरू कीजिए। जब तक का आंसर है फॉलोइंग क्वेश्चन सी, आंसर का जो है होमवर्क रूप में इसे आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आपका है हु इज द आई इन द पोयम, आई इन द पी ओ ई एम, ठीक है, कविता जो है कविता कॉपी एंड राइट पोयम है, इसमें आई कौन है, ठीक है, आई आई मैं जो आपका आई आ है, आई मेट अ मैन, आई मेट अ हॉर्स, आई मेट अ पपी, ठीक है, तो ये जो पोयम है इसमें आई कौन है पूछना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका वेयर वाज माय पोयम, वेयर वाज द मैन गोइंग, वेयर वाज द मैन गोइंग, आदमी जो है कहाँ जा रहा था, जो मैन था जो मिला था उससे वह जो है कहाँ जा रहा था, उसमें आपको थर्ड बेटा वाई वाज द मैन गोइंग टू द विलेज, वाई वाज द मैन, वाई वाज द मैन गोइंग टू द विलेज, गोइंग टू द विलेज, ठीक है, विलेज यानी जो आदमी था वह गांव
की तरफ क्यों जा रहा था, मकान की तरफ जो है क्यों जा रहा था, एंड लास्ट क्वेश्चन का फोर्थ है, व्हाई डिड नॉट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स, व्हाई डिड नॉट द चाइल्ड, व्हाई डिड नॉट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स, गो विद द और, यानी पारंपरिक बच्चा जो है घोड़ा घोड़े के साथ हॉर्स के साथ घोड़ा के साथ जो है क्यों नहीं गया, वाई डिड नॉट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स, बच्चा जो है घोड़ा के साथ क्यों नहीं गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, वेयर वाज द पक्षी, वेयर वाज द पक्षी गोइंग, ठीक है, वेयर वाज द पक्षी गोइंग, पक्षी जो था जो पीला था वह कहाँ जा रहा था, वह कहाँ जा रहा था, इसको क्या ये जो है सी एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पेज नंबर आपका 38 पे ये 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको जो है इसका आंसर जो है होमवर्क रूप में कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है दिया था कि पेयर वर्ड्स मैच द वर्ड्स इन द कॉलम टू कॉलम, ठीक है, जनरल स्पीकिंग ये तरीके जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।